नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गुरुवार के दिन चुनाव प्रचार के दौरान किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। जब कार्यकर्ता विपक्ष नेता केपी शर्मा ओली को माला पहना रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति ने पूर्व प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारा। हालांकि सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई और शारीरिक हमला करने वाले व्यक्ति को दबोच लिया। कोसी प्रशांत के पुलिस डीआईजी के मुताबिक विपक्षी यूएमएल के मिड हिल ईस्ट वेस्ट अभियान के दौरान एक व्यक्ति ने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति की पहचान महेश राय के तौर पर हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के समय वो नशे में था। जानकारी के मुताबिक पुलिस डीआईजी ने बताया कि जांच के बाद हमने पाया कि घटना के समय वो नशे में था। हमले के पीछे उसका कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है, उसे हिरासत में ले लिया गया है।